अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशोक कैदर। आप देख रहे हैं पाकिस्त लंगसम। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट लर्निंग कोर्स है, जिसका मतलब ये है कि इसमें आपको कंसेप्ट भी मिल जाएगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा कोर्स लेक्चर के अंदर ही। तो ये हमारा है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे है तो पहले वो देख लें, ताकि आपको इसकी भी सही तरह से समझ लग जाए। ये लेक्चर नंबर 415 है, तो इससे पहले 14 लेक्चर हो चुके हैं, पहले वो देख लें ताकि आपको इसकी भी सही तरह समझ लग जाए। तो क्योंकि इस सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं, तो ये इस तरह ठीक रहता है कि आप इसको तरतीब के साथ देखें। तो अब हमारा आ जाता है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 14 में क्या पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा था साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसमें इंडिविजुअल साइकोलॉजी हमने पढ़ा था, इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स पढ़ा था, सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टाइप्स का पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी टाइप्स का क्या मतलब है कि आप मुख्तलिफ तरह के लोग देखते हैं माशरे में, कि कुछ लोग क्या नाम है ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, कुछ लोगों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुछ लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बना लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही क्या नाम है अपने आप को ना वर्थलेस बिल्कुल समझते हैं, यानी बिल्कुल भी उनमें पोटेंशियल नहीं होता। तो इसमें हम ज़रा इनको स्टडी करेंगे। अब इस तरह की टाइप्स के ना उनके चार टाइप्स मेन बनाई गई हैं, यानी एडलर जैन हमने पढ़े थे ये पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ी हैं, ये लेक्चर नंबर 14 में हमने ये पढ़ा था। ये अब एल्फ्रेड एडलर ने ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का बताया था ना, तो इसी ने आगे डिफाइन की थी कि फोर टाइप्स ऑफ हो सकती हैं पर्सनैलिटीज, ठीक है। क्योंकि इसने क्या कहा था कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बताया था कि हर बंदा एक यूनिक एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो इसने फिर उन एबिलिटीज़ को डिफाइन करते हुए इसने चार पर्सनैलिटीज़ को डिफाइन किया। नंबर वन उसने बताया रूलिंग पर्सनैलिटी, रूलिंग टाइप। फिर इसने कहा लीनिंग टाइप। इसने फिर एक तीसरी बताई अवॉइडिंग टाइप, और नंबर फोर पे इसने बताया सोशली यूजफुल टाइप। तो सबसे पहले आ जाते हैं रूलिंग टाइप की बात कर लेते हैं। तो रूलिंग टाइप क्या होती है? दिस टाइप रेफर्स टू दोज पीपल हु विल पुश अदर्स इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियरिटी। ये टाइप आती है, रूलिंग टाइप में वो लोग आते हैं जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, यानी जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये सलाहियत रखते हैं कि वो लोगों को क्या नाम है किसी काम को करने के लिए उभारते हैं, ठीक है। ये लीडर्स वाली टाइप होती है, ठीक है। अब इसमें भी ना ये जीनियस भी या इस तरह के लोगों कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव, गुड क्या नाम है गुड जीनियस भी और ईवल जीनियस हो सकते हैं, ठीक है। दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी विच कॉजेज दैम टू पुश अदर्स आउट ऑफ देयर वे। दे टाइप कंटेन बुलीज, सैडिस्ट, अल्कोहलिक एक्सेट्रा। अच्छा, इसने तो बिल्कुल नेगेटिव बताया। हाँ, इस क्या नाम है इस तरह के लोगों में बताया बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये लोगों को उबार सकते हैं कि किसी काम को करने के लिए, ठीक है। और इनमें आप देखेंगे जो क्लास के शरारती तरीन बच्चे होते हैं ना, वो इसी टाइप में कुछ आते हैं, लेकिन वो नेगेटिव पास ही नहीं जाना। दूसरी तरफ इसे आप ऐसे भी लोग देखेंगे जो कि अच्छा काम करने की सलाहियत रखते हैं, उनको पता है कि किस तरह दूसरों को साथ लेके चला जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लीनिंग टाइप। ये बिल्कुल ना इसके अपोजिट है रूलिंग वाले के। दीज पीपल दोज हु फॉल अंडर दिस टाइप आर द सेंसिटिव एंड बिल्ड ए शेल अराउंड देम सेल्फ। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अपने इर्द गिर्द शेल यानी दीवारें बना लेते हैं, ठीक है। दे हैव वेरी लो एनर्जी लेवल के, बहुत कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, ये दूसरों पर इंसार करते हैं हमेशा टू हेल्प दैम विद लाइफ डिफ़िकल्टीज, ताकि वो दूसरे के ऊपर लोगों को हमेशा रहते हैं कि यार ये हमारा आके मसला हल कर दे, ठीक है। जिस तरह हमारी आजकल हालत बनी हुई है, हम चाहते हैं कि हम कुछ करें ना बस, और हमारे जो मुल्क के हालात हैं कोई ऐसे ही अल्लाह तवक्कल सही कर दे, ऐसे नहीं कुछ करना, ठीक है। वैन ओवरवेलम्ड दे डिवेलप फोबिया, ऑब्सेशन, और अगर ज़्यादा मसला हो तो इनमें ये सारी मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। वो फोबिया टाइप हो जाता है, यानी वो डरते हैं हर बात में, ठीक है। तो ये है लीनिंग टाइप। इसके बाद आते हैं अवॉइडिंग टाइप। ये सबसे ज़्यादा खोचल लोग होते हैं बेचारे, ठीक है। ये क्या होते हैं, सच पीपल सर्वाइव बाई अवॉइडिंग लाइफ। इस तरह के लोग बेचारे वो रिस्क लेते ही नहीं हैं, कहते गोली कराओ छोड़ो इसको,
ठीक है, वो डरते हैं कि फेल हो जाएंगे, ठीक है, ये इसलिए वो रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते। दे यूजली दे हैव द लोएस्ट एनर्जी लेवल, इनका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। चले ये वो हैं जो कोशिश करते हैं और कामयाब होते हैं, ये वो हैं लीनिंग जो कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, ये वो हैं जो कोशिश ही नहीं करते, जो क्या करते हैं कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है। दे यूजली बिकम साइकोटिक लिविंग इन देयर ओन वर्ल्ड, इस तरह के लोग आप देख होंगे तो होते हैं जो कि अपनी दुनिया में क्या नाम है गुम रहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सोशली, लास्ट में आता सोशली यूजफुल टाइप, इस तरह के लोग बहुत अच्छे कहले काम के होते हैं जो कि लोगों के साथ ज़्यादा सोशली रहते हैं, ठीक है। ए हेल्दी पर्सनैलिटी, ये हेल्दी पर्सनैलिटीज़ हैं और दे हैव द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टेक इंटरेस्ट इन अदर, इस तरह के लोग होते हैं जो लोगों में इंटरेस्ट शो करते हैं, उनकी हेल्प भी करते हैं और इस तरह के लोग खुश रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आके अगर माशरे में रहना है तो दूसरों के साथ बेशक आपके अंदर थोड़ी सी की सलाहियत ज़्यादा है कोई बात नहीं, आपका अगर जॉब ज़्यादा अच्छी है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को अपने आप से काम नहीं समझना और ना ही अपने आप को किसी से काम समझना, ठीक है। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं लोगों को साथ लेके चलते हैं, ये बेस्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा पर्सनैलिटी टाइप, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करनी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।